राधे राधे फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कान्हा जी की कृपा से बहुत अच्छे ही होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल लड्डू की वंदना में। जन्माष्टमी की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगी जन्माष्टमी में लड्डू गोपाल जी को क्या भोग लगाना चाहिए जिससे हमारे लाला बहुत खुश हो जाएँ। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो जन्माष्टमी में 56 भोग लगाया जाता है, पर ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि 56 भोग ही लगाना है। कुछ बहनें 56 भोग नहीं लगा पाती हैं। हमारे लाला सिर्फ प्रेम भाव देखते हैं, वो ये नहीं देखते कि 56 भोग कौन लगा रहा है मेरा भक्त। तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको वही भोग बताऊंगी जिनसे हमारे लाला बहुत खुश हो जाएंगे। 7 ऐसे भोग हैं जो आप वो लगा दीजिए, वही बहुत हैं। सबसे पहला भोग है माखन मिश्री। माखन मिश्री ज़रूर लगाएं भोग। हमारे लाला जी को माखन मिश्री बहुत पसंद है। हमारे लाला को माखन तो इतना पसंद है कि चुरा चुरा कर खाते थे। फिर दूसरा भोग है खीर। जन्माष्टमी वाले दिन चावल की खीर नहीं बनती है, तो आप मखाने की खीर बना दें। मखाने की खीर बहुत चाव से खाते हैं हमारे लाला, बहुत खुश हो जाएंगे मखाने की खीर खा के। तीसरा भोग है खीरा। खीरे के बिना जन्माष्टमी की पूजा बिल्कुल अधूरी है। जन्माष्टमी में खीरे से लड्डू गोपाल का जन्म भी कराया जाता है। खीरे का भोग आप जन्माष्टमी में ज़रूर लगाएँ। ये कुछ मैं ऐसे भोग बता रही हूँ आपको जिनसे मेरे कान्हा जी और हमारे सबके कान्हा जी बहुत खुश हो जाते हैं। फिर अगला भोग है धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी का भोग आपको जन्माष्टमी में ज़रूर ज़रूर लगाना है। अगर आपको बनानी नहीं आती है तो YouTube पे बहुत सारी रेसिपी मिल जाती हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं भी आपके साथ में शेयर कर दूँगी। हमारे लाला धनिया पंजीरी बहुत चाव से खाते हैं। ये वही भोग हैं जिनसे हमारे लाला बहुत खुश रहते हैं। फिर अगला भोग है शहद। शहद हमारे लाला को बहुत पसंद है। छोटे बच्चों को शहद चटाना बहुत ज़रूरी होता है, तो जन्माष्टमी में आप शहद का भोग भी ज़रूर ज़रूर लगाएं। ये 7 भोग मैं आपको बता रही हूँ जिनसे हमारे लाला बहुत खुश रहते हैं। इन ये 56 भोग के बराबर हैं। फिर अगला भोग है पंचामृत। पंचामृत भी, पंचामृत से अभिषेक तो होगा ही हमारे लाला का, साथ में लाला का भोग भी लगाया जाएगा। पंचामृत का भोग भी ज़रूर लगाएं। अगला भोग है लड्डू। लड्डू तो हमारे लाला को बहुत पसंद है कि हमेशा हाथ में लिए बैठे रहते हैं। लड्डू का भोग भी हमारे लाला को ज़रूर लगाएं। अगर आपको बनाने आते हैं तो घर में बना लें। कोशिश करें कि घर के बने हुए भोग लगाएं। ये 7 भोग ऐसे हैं जो 56 भोग के बराबर हैं। इनसे हमारे लाला बहुत खुश हो जाते हैं। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हम 56 भोग नहीं लगा पा रहे, 56 भोग ही लगाने हैं हमें लाला को, हम 56 भोग कैसे लगाएं। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ये वाले भोग ही लगा दीजिए। हमारे लाला इससे भी बहुत खुश हो जाते हैं। ये वो सारे भोग हैं जो हमारे लाला को बहुत पसंद है। आप और ये भोग आप आसानी से घर में बना भी सकते हैं। आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लाला सिर्फ प्रेम भाव देखते हैं। राधे राधे।